दोस्तों वैसे तो बढ़ती उम्र में शरीर में कैल्शियम की कमी होना आम बात है, लेकिन आजकल हर उम्र के लोगों में यह प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। अगर आप सोचते हैं कि आप जवान हैं, आपकी हड्डी अभी कमजोर नहीं हो सकती, तो आप गलत हैं। कुछ बातों की लापरवाही की वजह से ये प्रॉब्लम आपको भी हो सकती है। क्यों ना समय रहते हम संभल जाएं। आपने देखा होगा कि आजकल कम उम्र के लोगों में भी हड्डियों का कमजोर होना, उठते बैठते समय दर्द का होना, मांसपेशियों में अकड़न और दर्द होना, बहुत जल्द ही शरीर में थकान होना, दांत कमजोर होना, कमजोर नाखून, झुकी हुई कमर, बालों का टूटना या झड़ना देखा होगा, और ये सब शरीर में कैल्शियम की कमी के कारण होते हैं। दोस्तों आज मैं आपको शरीर में कैल्शियम की कमी को दूर करने वाले कुछ उपाय बताऊंगा। मैं कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जिसके सेवन से शरीर में तेजी से कैल्शियम की कमी दूर होगी। दोस्तों आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर भी करना। सबसे पहली चीज है साबूदाना। साबूदाना कैल्शियम से भरपूर होने की वजह से इसका सेवन हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, जिससे जोड़ों के दर्द में राहत मिलती है। इसमें प्रोटीन की मात्रा भी अच्छी होती है, जिससे शरीर की कमजोरी दूर होती है। वजन बढ़ाने के लिए भी साबूदाना बेहद कारगर है। नियमित रूप से साबूदाने की खीर खाने से तेजी से वजन बढ़ता है और शरीर में कैल्शियम की कमी भी दूर होती है। दूसरी चीज है रागी। कैल्शियम की कमी से बचने के लिए रागी का सेवन करें। इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है, जो दूसरी चीजों के मुकाबले काफी ज्यादा, लगभग 3 से 5 गुना ज्यादा होता है। बड़े हो या बच्चे, हड्डियों की मजबूती के लिए रागी संपूर्ण आहार का काम करता है। इसकी बनी रोटी खाने वालों को हड्डियों में कैल्शियम की कमी से होने वाले रोग ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होता। यदि घुटनों में दर्द, कमर और बदन में दर्द होता रहता हो तो रागी का सेवन आज से ही शुरू करें। इसके अलावा रागी में ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो त्वचा को झुर्रियों से बचाते हैं। विटामिन डी भी रागी में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा रागी का सेवन मोटापे को भी कम करता है। इसके लगातार सेवन से स्किन ग्लो हो जाएगी, चेहरे की तेज और चमक बढ़ जाएगी। रागी, जिसे इंग्लिश में फिंगर मिलेट और कई जगहों पे मड़ुआ या नाचने के नाम से भी जाना जाता है। रागी का सेवन किस तरह करना जरा वो देख लीजिए। आप अधिक पौष्टिक चपाती बनाने के लिए गेहूं के आटे के साथ रागी का आटा नियमित रूप से मिला सकते हो। रागी का आटा भी आपको बाजार में किसी भी किराने की दुकान में या तो फिर पंसारे की दुकान में मिल जाएगी। रागी से बनी इडली, डोसा, दलिया या चीला खाएं, इससे आपको पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम मिलेगा। इसके अलावा 1 गिलास पानी में 1 कप दूध मिलाइए, 2 चम्मच रागी पाउडर मिलाइए, उसमें मिठास के लिए मिश्री मिलाइए। गैस पर 10 मिनट धीमी आंच पर बॉयल कीजिए। थोड़ा ठंडा होने पर नाश्ते के साथ लीजिए। इसका सेवन लगातार किया जा सकता है, इसका किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं है। डायबिटिक लोग रागी का डोसा, रोटी या फिर दलिया का सेवन करें। साथ ही साथ दोस्तों आप पूरे दिन में दही का सेवन करें। दही में कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। प्रतिदिन 1 कप दही का सेवन करने से शरीर के लिए आवश्यक कैल्शियम की पूर्ति हो जाती है। 1 कप दही में 200 से 300 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। दही का उपयोग आप मिश्री डालकर कीजिएगा तो ये शारीरिक कमजोरी को भी दूर करता है। दही में नमक डालकर उपयोग ना करें। आप दही को अगर नमकीन बनाकर खाना चाहते हो तो उसमें काला नमक ही मिलाएं, बाजार में मिलने वाला नमक ना मिलाएं। साथ ही साथ दूध और तिल का सेवन कर सकते हो, लेकिन दूध और तिल का सेवन आप सर्दियों में या फिर बारिश के मौसम में करना। 1 गिलास दूध लें, उसमें 1 चम्मच भुने हुए तिल का पाउडर मिलाएं और मिठास के लिए थोड़ी सी मिश्री मिला लें। इसे अच्छे से मिलाएं तथा पी लें। इसे दिन में 2 बार पीने से अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो दोस्तों इस तरह से आप शरीर में कैल्शियम की कमी को बहुत तेजी से दूर कर सकते हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। मुझे पूरी आशा है कि जानकारी आपको ज्ञानवर्धक और अच्छी लगी होगी। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया अकाउंट्स में जरूर शेयर करें और हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक करके जाइए। आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।